नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। जगदलपुर बस्तर में आज बहुजन समाज पार्टी ने लालबाग मैदान में आदिवासी मेले का आयोजन किया। इस आयोजन में कई ग्राम के ग्रामीण शामिल हुए। प्रदेश इकाई छत्तीसगढ़ के तत्वाधान में धरती आबा क्रांतिवीर बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर आज बहुजन समाज पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली से पहुंचे राज्यसभा सांसद और मुख्य प्रभारी बहुजन समाज पार्टी के रामजी गौतम के नेतृत्व में किया गया। उन्होंने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जल जंगल जमीन आदिवासियों की लड़ाई अब तक किसी भी पार्टी ने नहीं लड़ी है। 2023 विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसे लेकर बहुजन समाज पार्टी पूरी मुस्तैदी से चुनाव लड़ेगी। रामजी गौतम ने बताया कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा फ्री में दी जाएगी। दोनों पार्टियों पर जमकर बरसे और कई मुद्दों का जिक्र भी किया। जमीन दी गई, ये सारी चीजें देखी हैं। जब भी यहाँ कोई धन्ना सेठ यहाँ कब्जा करना चाहता है तो ऐसे ही आदिवासी भाइयों को कहीं गोली का शिकार करना पड़ता है, गोली मारी जाती है, कहीं उनको विस्थापित किया जाता है, कहीं मारपीट के साथ में होती है, उनको कोई आवाज नहीं है। देखिए, ये सारी चीजें आपके सामने हैं और आप सभी लोगों ने खुद माना है कि हासदेव अरण्य जो है यहाँ एक छत्तीसगढ़ की जान है, जो यहाँ पे ऑक्सीजन देता है, जो पूरे देश के अंदर ऑक्सीजन आती है। सारी चीजें हैं, आपसे कोई भी चीज छिपी नहीं है। तो उस चीज सारी चीजों को लेकर के हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं और 2023 की तैयारी में हम लग चुके हैं। ये सारे मुद्दे लेकर के हम 2023 की जंग लड़ने वाले हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में हर विधानसभा में समाज पार्टी छत्तीसगढ़ में सारी विधानसभाओं के सीटों पर लड़ेगी, पूरी ताकत के साथ लड़ेगी।